ये देखो गाइस, फूल का क्या कहते हैं, आगाज हो गए, अंजाम क्या होएगा ये नहीं पता। कल हमने हीटर ऑन कर दिया था दिन में, तो अभी 24 आवर्स हो गए थे हीटर ऑन किए हुए को, तो पानी का टेम्परेचर बिल्कुल सेट है, वार्म है वाटर, और ये लोग आज यहाँ पे घुसे हुए हैं। तुम लोग मछली बन जाओ सारे। ये देखो एमी मैडम बाहर निकल ही नहीं रही है। एक चीज और बताऊं, एमी को हमने बोला इधर यू कैन हैव अ पूल हाउस और यू कैन हैव अ डॉग, और एमी ने पता क्या बोला, क्या बोला एमी आपने, क्या बोला, पूल हाउस नो डॉग, एंड व्हाट अबाउट डॉग, फोन भी हिल रहा है। नहीं कह रही है आई कैन पैट अदर पीपल्स डॉग्स, मतलब सिर्फ डॉग को पैट ही तो करना है, किसी और का पैट कर लेंगे, पूल किसी का थोड़ी यूज कर सकते हैं। और ये अमित अपनी स्विमिंग स्किल्स दिखा रहे हैं, बस इतनी आती है जो दिखा रहे हैं, इससे ज्यादा मत बोल देना करने के लिए। एमी तेरी वजह से ना रह गई हूँ मैं, मेरे को आज आईब्रोज कराने जानी थी। तेरे को नेल्स कराने जाने थे, तेरे को नेल्स कट कराने जाना था, नेल पॉलिश लगाने जाना था, बताऊ तेरे। चलो मैं चेंज करके आती हूँ, फिर अच्छे से व्लॉगिंग करते हैं। और ये देखो आज सोचा था कि पूल पार्टी करेंगे, बारबेक्यू करेंगे, लाइट फाइट जलाकर बैठेंगे, मगर ये हालत देखो हमारी डक्की क्या होगी। जो जो चीज मैंने सुंदर सुंदर बनाकर बाहर रखी थी ना, उसकी हालत ऐसी हो गई है, पूरे अंदर घर का सामान ना, किचन का सामान और फैमिली रूम का सामान बाहर लेकर आना पड़ा। और ये लेकर आए थे हम एक फ्लेमिंगो पानी में फ्लोट करने के लिए एमी के लिए, तो ये लगाया था अभी इसमें पंप हवा भरने के लिए, मगर इस पंप की बैटरी डाउन हो गई है। ये देखो ये मेरे ख्याल से आधी ज्यादा किचन बाहर आई पड़ी है, क्योंकि बताया था ना किचन कुछ ही दिनों के मेहमान है, तो ये देखो किचन के भी फर्श सारे उखड़ गए हैं, ये हालत हो गई है किचन की, घर की। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, फ्लोरिंग लगनी शुरू हो गई है, तो फैमिली रूम की फ्लोरिंग लग गई है, अब बेस बोर्ड्स लगाने रहते हैं अभी, और यहाँ पे टाइल्स लगेंगी, तो यहाँ टाइल्स के लिए सब जगह लग गई है। सीरियसली कोई कल आ गया ना, वीकेंड है, सैटरडे है, घर की हालत ऐसी है, ये देखो। नहीं नहीं अभी तो पूल में रहे, अभी 2-4 घंटे और। एक क्वेश्चन है कमेंट्स में जो मेरे को ना अब आजकल बहुत बार आ रहा है, क्वेश्चन ये है कि क्या आप कभी दुबई वापस जाओगे। हम लोगों ने दुबई कनाडा ना बहुत बार बात कर ली, लेकिन हाँ कभी ये नहीं बताया कि क्या हम कभी दुबई वापस जाएंगे। अगर ऑनेस्ट होकर बात करूं तो जब हम दुबई से कनाडा आए थे ना, तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ये बोलूंगी कि हम दुबई कभी वापस नहीं जाएंगे। दिमाग में यही था कि जाएंगे कनाडा। इनफैक्ट सच्चाई बता रही हूँ, अमित ने मेरे को धोखा दिया था। अमित अपने जॉब से रिजाइन करके नहीं आए थे। कल ना एक कमेंट भी आया था कि अमित की और आपकी केमिस्ट्री देखकर ना लगता है कि यार मैं ना शादी कर लूँ। भाई अपने रिस्क पे करना, ठीक है। जो वीडियो में 15 मिनट की लाइफ दिखती है ना, वो 24 घंटे की लाइफ नहीं होती है। अमित की मेरी इतनी लड़ाई होती है मैं बता भी नहीं सकती। और एक टॉपिक पे जो लड़ाई अमित की मेरी शुरू में जब हम कनाडा आए थे बहुत होती थी ना, बहुत होती थी। हमने ये डिसाइड किया था कि हम कनाडा जाएंगे, सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे, अपने पीयर कार्ड्स कलेक्ट करेंगे और दुबई वापस चले जाएंगे। एमी सिर्फ 1.5 साल की थी जब हम लोग कनाडा आए थे, तो ये था कि भैया मैं जॉब ढूंढूंगी, बिकॉज मेरी उस टाइम दुबई में जॉब नहीं थी, बिकॉज जब एमी हुई थी तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, मैंने अपना बिजनेस शुरू कर लिया था वहाँ पे रिक्रूटमेंट का, तो मेरी वहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि मेरे को जॉब जाकर दुबई में वापस ज्वाइन करनी है। लेकिन ये जरूर था कि मुझे कनाडा में आकर जॉब ढूंढनी है, तो हमने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे आती ना जॉब ढूंढ लूंगी और मेरे को जॉब मिल गई तो ठीक है, डिपेंड्स अपॉन किस तरह की जॉब मिली है, कितनी दूर मिली है, पास मिली है नॉल, तो मैं और एमी यहाँ रह जाएंगे और देखेंगे कनाडा को अच्छे से समझ में आता है कि नहीं आता, और अमित 1 महीने के बाद 1.5 महीने के बाद वापस जाकर अपनी जॉब ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आकर लकीली टच वुड भगवान की दया से मेरी 1 महीने में जॉब लग गई और ठीक ठाक सी लग गई। उसके बाद हमारे पीयर कार्ड्स आए नहीं। एक मिनट एक चीज बता दूं, जो वुड तुमने टच करी है ना टूटने वाली है, कल परसों उखड़ जाएगी ये भी। तो आप सोच रहे होंगे सब कुछ नया करवा रहे हो तो घर ही क्यों खरीदा था सगे, तो हम भी यही सोच रहे हैं। ये सारी चीजें ना प्लान नहीं थी, जब हमने घर लिया था तो ये नहीं सोचा था कि ये भी चेंज करवा देंगे, वो भी चेंज कराएंगे। अब जब काम होने लगा ना, तो हमें लग रहा है कि यार एक ही बार में करा ही लो ना, खत्म करो ना, तो करके ये सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे, जो कि प्लान नहीं था। बट हम इस बात पर बात नहीं कर रहे थे, हम दुबई की बात कर रहे थे। हम इस बात पर बात कर रहे हैं कि लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें आप प्लान करते हो वैसी होती नहीं है,
चालू आप जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे पूछ लो कि मैंने क्या गलत किया था, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला जाता, तुम्हें लगता है इट वाज इजी कि तुम अपनी जॉब भी कर लेती और एमी को भी संभाल नहीं, लेती? बट मेरा प्लान ये था, ये अमित के दिमाग में था ना कि मैं यहाँ पर जॉब कर लूंगी, एमी के साथ और अमित चले जाएंगे। मेरा प्लान क्या था, अमित वहां पर जाकर अपनी जॉब वापस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कैनेडा आने का मन अमित का था बहुत ज्यादा। तो मेरा था कि भाई अमित वहां पर एक बार जाए तो फिर वापस अपनी जॉब ज्वाइन करे, 2 महीने के बाद मैं भी अपनी जॉब से रिजाइन करके वापस दुबई आ जाऊंगी और हम लोग दुबई में हैप्पीली एवर आफ्टर वाला अपना काम चलाएंगे। बट अमित ने डिसाइड कर लिया जब मेरी जॉब लगेगी यार तेरे को 1 महीने में जॉब मिल गई मेरे को भी मिल जाएगी। और जब अमित ने फिर फिर जॉब ढूंढनी शुरू करी तो अमित को भी चलो लकीली 1 महीने के बाद जॉब मिल गई, तो हम दुबई वापस कभी गए ही नहीं। ठीक है, तो शुरू के 6 महीने मुझे बड़ा गुस्सा आता था इस बात पे कि यार ये चीटिंग हुई है, हमें दुबई वापस जाना था। देखो मैंने आज तक आपको कनाडा की ना सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, और जब वही सारे मेरे व्यूअर्स मेरे सब्सक्राइबर्स जब कनाडा में लैंड हुए ना तो 1 महीना 2 महीना वो डिप्रेशन में रहे हैं, क्योंकि दुबई एंड कनाडा आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, आप उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। मैं आपको ना रीजन देती हूँ कि मेरे साथ भी यही हुआ था। लेकिन मेरी एक भाभी थी, दीपा भाभी थी, क्या अभी भी है दीपा भाभी, वो कनाडा में सिटीजन थी, उनके हस्बैंड दुबई में थे और वो कनाडा में रहकर 4-6 साल हो रही है यहाँ पर। तो जब हम लोग कनाडा लैंड होने वाले थे ना तो उन्होंने मुझे, और वो दुबई में थी उस टाइम, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि शिल्पा दुबई से कनाडा जाकर तुम डिप्रेस होगी, दुबई से कनाडा जाकर तुम अपने बाल नोचोगे कि तुम कहाँ आ गई हो, तुम्हें बहुत अजीब लगेगा, बट गिव दिस कंट्री 6 मंथ्स एंड देन डिसाइड। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इम्पल्सिव होकर कनाडा में लैंड करते हैं और वापस चले जाते हैं 1 महीने में 2 महीने में, तुम वो गलती मत करना, गिव कनाडा 6 मंथ्स एंड देन डिसाइड। मेरे को 6 महीने में ना 1800 बार ये ख्याल आया होगा कि मैं दुबई वापस चले जाती हूँ, लेकिन दीपा भाभी की वही एक बात है जो मेरे दिमाग में ना बैठ गई कि गिव दिस कंट्री 6 मंथ्स, गिव दिस कंट्री 6 मंथ्स। और सच में जब आप किसी कंट्री को 6 महीने देते हो ना जिंदगी बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है, आपकी सिचुएशंस बदल जाती है, आपकी फीलिंग्स बदल जाती है, आपके इमोशंस बदल जाते हैं। तो इन 6 महीनों में मेरे साथ क्या क्या चेंजेस हुए मैं आपको वो बताती हूँ, और वही मैं ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो मिडल ईस्ट से, दुबई से, ओमान से, सऊदी अरेबिया से कनाडा में या तो अभी अभी आए हैं या फिर आने वाले हैं। गिव दिस कंट्री 6 मंथ्स। 6 महीने बाद हमारे साथ क्या क्या चेंजेस हुए, अमित और मेरी दोनों की जॉब्स लग गई, तो कम से कम एक रूटीन हो गई लाइफ में, अमित और मेरे दोनों के पास लाइसेंस आ गया, तो कार आ गई हाथ में, फ्रीडम हो गई, एमी का डे केयर फिट हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने अपना फ्यूचर ऐसे देखना शुरू किया कि व्हाट नेक्स्ट, अब घर देखो, तो विद इन 6 मंथ्स हमने घर देखने शुरू किए। तो यहाँ पर जब आप घर देखते, दुबई में क्या है या फिर मिडिल ईस्ट में क्या है, ये जो ये ऐसे घर है ना विद फ्रंट यार्ड, विद बैक यार्ड, विद ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, विद द बेसमेंट, बेसमेंट तो होती नहीं है वहां पे मोस्टली, उनको हम वहां पे विला बोलते हैं, राइट? तो जो दुबई में रहते होंगे वो मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, बड़ा फिंग, हम उनको विला बोलते हैं। और जो दुबई में मिडल ईस्ट में विला में रहते हैं ना, हम उन लोगों को बोलते हैं यार कि अमीर लोग होंगे बहुत जो विला में रहते हैं, बिकॉज मोस्टली लोग वहां पे, मैं ये नहीं कह रही जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं वो अमीर नहीं है, दुबई में तो मेरे ख्याल से सारे लोग अमीर ही रहते हैं, सिर्फ पैसा है तो मिडल ईस्ट में ही है। लेकिन विला में वो लोग रहते हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास खूब पैसा होता है, या तो वो खरीद सकते हैं विला मिलियंस ऑफ दिरहम्स पे करके, या फिर उनके पास इतना पैसा होता है कि वो 10-15 हजार महीने का दिरहम्स में रेंट पे करके विला में रह सकते हैं। तो हमने दुबई में तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग कभी विला में रहेंगे, लेकिन जब हमने यहाँ पे घर देखने शुरू किया तो हमें लगा दिस इज द लाइफ, यू विल बी ओनिंग दिस विला, दो दीज आर होम्स हियर नॉट विला, सबके पास ही विलाज है यहाँ पे, बट स्टिल माइंडसेट क्या है, दुबई वाला चल रहा है ना, यू विल बी ओनिंग दिस विला, आपके पास इतना बड़ा ह्यूज घर होगा। अब आप मेरे को एक बार बताओ, अब 4,000 स्क्वायर फीट का घर दुबई में अगर मैं ऐसा खरीदने जाऊं या फिर मैं रेंट पे लेने जाऊं, आई वोंट बी डूइंग दैट, क्योंकि क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे यार दुबई मेरा परमानेंट घर थोड़ी है, मैं सिटीजन थोड़ी हूँ दुबई की, व्हाट इफ मेरी जॉब चली जाएगी, मेरा वीजा चला जाएगा, मेरे को दुबई छोड़कर जाना पड़ा था, मैं इतने बड़े घर को कहाँ डिस्पोज करूंगी, या क्यों मैं इतना पैसा रेंट पे खराब कर दूं, व्हाई नॉट आई जस्ट सेव मनी। मिडिल ईस्ट में जब हम रहते हैं ना तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं, चाहे हम 15 साल से मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ना फिर भी क्लॉक चल रही होगी, पता नहीं कब अपनी कंट्री में जाएंगे, तो जितना ज्यादा बचा सकते हैं बचा ले। हम भी यहाँ पर जब आए थे ना तो सारी सेविंग दुबई की लेकर आए थे, तो मिडिल ईस्ट में आपका दिमाग में ना सेविंग ज्यादा होती है,
तो फिर जब हमने देखा, जब हमने पहला घर खरीदा, अपना बंगलो जब खरीदा, तो हमें लगा कि यार हम इस बंगलो में रहेंगे, एमी को इस घर में बड़ा करेंगे, एमी के पास ये फ्रीडम होगी। फिर आपको लगता है कि आपके बच्चे वहाँ उस कम्युनिटी में सेटल हो रहे हैं, और फिर जब आप समर्स आती है और जब फॉल होता है, तो आप रियली रियली कनाडा से प्यार करने लग जाते हो। फिर आपको पता क्या लगता है 6 महीने के बाद, यार पहले तो वहाँ पे घर अपना सारा सब खत्म करके यहाँ पर आए, अब यहाँ पर 6 महीने के बाद, 6 महीने में तो घर बना ही लेते हो ना, घर मतलब ये नहीं कि खरीद लेते हो, बट यू सेटल डाउन विद अ हाउस, आपकी जॉब्स चल रही होती है, फिर आपको लगता है अब यहाँ पे फिर ये जॉब्स छोड़कर ये सारा घर खत्म करके फिर वहां जाए और फिर वहां जॉब्स ढूंढे, या अगर अपनी जॉब्स है भी तब भी रीसेटल तो करना पड़ता ना, देन यू स्लोली एडजस्ट टू द सिचुएशन। अब उसके 6 महीने बाद आप एडजस्ट करने लगते हो, और 1 साल के बाद आप कनाडा को ही अपना घर मानने लगते हो, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। और उसके बाद लकीली क्या हुआ, तब मेरी थिंकिंग चेंज हो गई जब कोविड आ गया। कोविड आने के बाद यार तब आपको पता चलता है कि योर कंट्री हाउ इट सपोर्ट्स एंड हाउ यू आर बीइंग सपोर्टेड एज एक्सपैट इन अ कंट्री जहां पर कोई अपना स्टेटस नहीं है। अब पता नहीं, टू बी ट्रू आई एम एंजॉयिंग दिस होम, आई एम लविंग दिस होम। मुझे लगता है कि यार ऐसे घर को तो मैं दुबई में कभी भी ओन नहीं कर पाऊंगी, या फिर कभी भी रेंट भी नहीं करूंगी। यार एमी है तो एमी को लगता है कि यही उसकी कंट्री है, यही उसके लोग हैं। एमी को छोड़ो, तुम अपनी बताओ। देखो बात ऐसी सी है, दुबई है आपका प्यार, पहला प्यार जिसको आप भूल नहीं सकते, लेकिन उसके साथ आपकी शादी नहीं हो पाई, ठीक है। अब जिसके साथ आपकी शादी हुई, आप उससे भी प्यार करते हो और आप उसको डेफिनेटली छोड़ोगे नहीं, और आपको पता है कि अब जिसके साथ शादी हुई है उसी के साथ जिंदगी भर रहना है, तो उसी में ही खुश रहो, चाहे वो आपका पहला प्यार नहीं है, लेकिन उसी के साथ खुश रहो और उसी में अपनी हैप्पीनेस ढूंढो। तो आई वुड से दुबई मेरा पहला प्यार है जिसके साथ मेरी शादी हो नहीं पाई, मतलब मैं उसके साथ रह नहीं पाई। जितना टाइम रहे कोर्टशिप में, 5 साल, वो बहुत ब्यूटीफुल थे, हमेशा याद रहेंगे, आई लव दैट टाइम, लेकिन मेरी शादी हो गई कनाडा के साथ, ठीक है। कनाडा इज नॉट द काइंड ऑफ अ स्पाउस हु इज क्रूअल, जो आपके साथ रोज लड़ाई करे, या आपकी आपकी लाइफ को उसने बिल्कुल ही बुरा कर दिया है। कनाडा इज अ नाइस पर्सन, ठीक है, वो मैरिज मटेरियल। तो अब आपकी शादी उससे हो गई है और आपको पता भी है कि आप इसी के साथ ही जिंदगी बितानी है, बच्चा भी उसी के साथ खुश है आपका। तो हंस के खुश होकर अपनी जिंदगी गुजार लो, या रो रो कर बस अपने पहले प्यार को याद करके जिंदगी गुजार लो। अबे बड़ा खाली खाली और वीरान सा कमरा लग रहा है, पता क्यों? क्योंकि दीवारें सारी बिल्कुल ब्लैंक है, इन दीवारों पे पेंटिंग्स होनी चाहिए, वॉल आर्ट होना चाहिए। बेसबोर्ड्स लग जाए कल, उसके बाद ये रूम तो रेडी हो जाएगा, फिर ये लैंप ये भी चेंज। हाँ, किसी ने कहा भी अभी अपना लैंप चेंज करो भाई, तो मैं बता दूं लैंप हमने सारे के सारे चेंज कर रहे हैं, मतलब ये जो लगे हुए ऊपर, बस हम वेट करें कि पहले फ्लोरिंग वगैरह रेडी हो जाए, तो उसके बाद ये भी चेंज करेंगे। तो आज ना इस घर में बड़ी सारी चीजें पहली बार हुई है। बताओ मम्मी, पहली क्या चीज पहली बार हुई है? पहले तो पूल का। हाँ, आज हमने स्विमिंग पूल सबसे पहली बार यूज किया इस घर में, फिर चारों पूल में गए हैं भाई आज। और एमी ने तो क्या स्विमिंग करी है। और दूसरी चीज क्या हुई है पहली बार इस घर में? दूसरी चीज, मैंने इस घर में पहली बार कपड़े धोए हैं। मतलब आज हमने पहली बार लॉन्ड्री स्टार्ट करी है इस घर में, मतलब आने इस घर में आए हुए हमारे को 2 हफ्ते होने वाले। एक और चीज हमने पहली बार करी है, फ्लोरिंग कराने का। अच्छा भाई, फ्लोरिंग का भी फर्स्ट टाइम है, पहले पहली बार जिस कमरे की फ्लोरिंग रेडी होगी वहां बैठे। ओहो, तू तो सब बता दे। अच्छा एक तो ना, एक और सब्सक्राइबर है हमारी बिंदिया चैल, उन्होंने कहा है मम्मी को मेरी तरफ से हग करो। लो भी मम्मी आपको आपके उनकी तरफ हग करते, तो बिंदिया चैल जी आइए हग मम्मी को आपकी तरफ से। मेरा उसको प्यार बोल दो। चलो भाई, बिंदिया चैल को मम्मी की तरफ से प्यार। अच्छा आप करते हैं डिस्कशन जो मम्मी से करनी थी। तो मम्मी ये बताओ, आप दुबई भी 3 बार आए हो? 4 बार। 4 बार आए हो दुबई? चलो भाई, अच्छा तो मैं 5 बार गई हूँ। 5 बार दुबई गई हो? अच्छा, और 4 बार तो पापा के साथ। हाँ, एक बार अकेले। हाँ, और अब कनाडा आपका दूसरा चक्कर है। हाँ, तो ये बताओ आपको दोनों कंट्रीज में बेटर कंट्री कौन सी लगती है रहने के लिए? रहने के लिए तो मेरे को ज्यादा दुबई लगा। क्यों, क्या रीजन है? मॉल वहाँ जाते हैं तो घूमना वहाँ अच्छा रहा है, यहाँ इतना घूमना नहीं हुआ। मम्मा को वहाँ पे गुच्ची प्राडा वो सब शोरूम मिल जाते हैं ना, मम्मा को देख के अच्छा लगता है। जैसे मम्मा अकेली जाती है वहाँ, तो वहाँ पे घूमने के लिए क्या आपको अच्छा लगा? कनाडा में भी घूमे तो हो आप, क्यूबेक भी गए हो? घूमी तो यहाँ भी हूँ। हाँ, पर पता नहीं यहाँ क्यों नहीं मन लग रहा। या मन नहीं लगता आपका? नहीं, दुबई में मन लगता है। उल्टा यहाँ घर है, आगे पीछे एक पूरा खुला है, वहाँ पे तो ठीक है।
यार ये भी हो गया ना, पापा भी तो थे ना वहाँ पे, ये फर्क था ना, पापा के फायदे थे आप। हाँ, ये भी फर्क है। और ये बताओ कनाडा में अच्छा क्या लग रहा है आपको? कनाडा में ये हरियाली अच्छी लग रही है। और इंडियन कम्युनिटी भी यहाँ पर तो पूरी है, अगर दुबई में आपने बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी देखी है तो यहाँ पर भी है पूरी इंडियन कम्युनिटी। तो भैया हमें 100 बातों की ना, एक बात है मम्मी का दुबई प्रेम वो है कि मम्मी को पता नहीं है कि दुबई को प्रेम क्यों करती है मम्मी, लेकिन मम्मी भी दुबई को ही प्रेम करती है ज्यादा, देखो ये बात है। क्योंकि दुबई में मम्मी का प्यारा प्यारा बेटा रहता है। ये दुबई में आपके, जब आप दुबई आते थे तो दुबई में आपके 2 बेटे थे, अब यहाँ पे आपका 1 बेटा है। पापा, I'm bored. क्यों? क्या चाहिए तेरे को? कुछ आ रहा ही नहीं। क्या आना चाहिए? क्या आएगा? हेलोवीन, थैंक्सगिविंग, करवा चौथ, दिवाली, क्या आएगा? करवा चौथ, तेरे को पता करवा चौथ क्या होता है? क्या होता है? ये वो होती है, मतलब म्यूजिक चेयर होती है, म्यूजिकल चेयर। अभी पता है वो क्या गाना गाते हैं? गाना था तुझे कौन सा गाना गाते हैं? ले बहन प्यारी कर मरा, ऐसे बोल दे ना। मम्मी को आता होगा पूरा गाना। एक लाइन बताओ उसकी, सुत्ते नु जगाओ ही ना। Guys, I'm sorry that I did not do a shout out yesterday. My mama took the shout out and also उसने वो गर्ल का मामा का नाम भी रॉन्ग ले लिया। आई नो दैट दैट गर्ल्स नेम इज हविया। सॉरी हविया दैट वी डिड अ डिफरेंट नेम विद योर मामा, बट दिस इज अ शाउट आउट, दिस इज फॉर यू। बट एक और बहुत ही स्पेशल शाउट आउट है आज, एक सुंदर सी प्यारी सी हमारी सब्सक्राइबर है जो कल 7 इयर्स की हो रही है और उनका नाम है हर्षवी। हर्षवी, हर्षवी का 7th बर्थडे है 10th सितंबर को। हैप्पी बर्थडे हर्षवी, वी लव यू। हैप्पी बर्थडे हर्षवी, दिस इज फॉर यू। हर्षवी आपका बर्थडे बहुत अच्छा हो, रॉक करो बेटा, एंड मे गॉड गिव यू ऑल हिज चॉइसेस ब्लेसिंग्स फॉर यू। हैप्पी बर्थडे। एंड आल्सो डू एनीथिंग यू वांट, इट्स योर बर्थडे। डू एनीथिंग यू वांट हर्षवी, इट्स योर बर्थडे, इट्स योर डे, इट्स योर लाइफ ऑफ द डे एंड योर हैप्पी डे फॉरएवर इन योर होल लाइफ बिफोर। हैप्पी बर्थडे हर्षवी। Happy birthday, Harshavi! You have a good birthday party. Have a rocking day and the team day with you, which is a team you have. लेकिन हमारा वीडियो देखना है, चाहे बर्थडे हो चाहे नहीं हो, रोज देखना है हमारा वीडियो, है ना? हमारा वीडियो रोज तो देखना है, लेकिन Harshavi it's okay. अगर आपको रोज हमारा वीडियो नहीं देखना तो नहीं देखो, आपका बर्थडे है, आपको चूड़ी भी होंगे। गंदी बच्ची। Hey guys, अब टाइम है मेरे शॉर्ट करने का, तो आज मैं 3 लोगों के लिए शॉर्ट आउट लेकर आई हूँ। 3 लोगों के लिए इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि लिस्ट थोड़ी बड़ी होती जा रही है। जो लोग मुझसे बड़ी शिकायतें कर रहे हैं कि यार आप मेरा नाम नहीं लेते हो, आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हो, तो बात ऐसी है कि मैं एक वीडियो में सबके नाम कैसे ले सकती हूँ, है ना? क्योंकि शाउट आउट का पर्पज क्या है? शाउट आउट का पर्पज है कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और मेरा दिन बना रहते हैं वो कमेंट्स पढ़ के, तो मैं उनको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। अब एक बार में 1, 2 या मैक्सिमम 3 लोग ही स्पेशल होंगे यार, आप सबको स्पेशल फील नहीं करा सकते। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, आप सारे के सारे लोग मेरे लिए तो बहुत स्पेशल हो, तो आज अगर आप मेरे स्पेशल सब्सक्राइबर नहीं होगे जिसके लिए मैं शाउट आउट दे रही हूँ, तो कल होगे, कल नहीं होगे तो परसों होगे। लेकिन ट्रस्ट मी, मेरे फोन में एक अलग सा फोल्डर है जिसमें मैंने स्क्रीनशॉट किए हुए हैं उन सबके जिन्होंने मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। तो अगर आप नहीं भी कहोगे ना, मैं तब भी आपको शाउट आउट दूंगी अगर आप मेरे को रेगुलर कमेंट करते हो, तो पक्का पक्का पक्का, ठीक है? तो आज के 3 स्पेशल सब्सक्राइबर कौन है? देखो, मैं कमेंट का पता चक्कर क्या है, कमेंट का चक्कर भी है कि जैसे आपको मेरे साथ गप्पे मार के मजा आता है, मैं ये तो नहीं बोलूंगी मेरा वीडियो देखकर आपको बड़ा मजा आता होगा, आता भी होगा, तभी देखते हो, नहीं तभी रोज आते हो, लेकिन जैसे वैसे मोस्टली तो मेरे वीडियो, मेरे चैनल का नाम क्या है?
चिट चैट विद शिल्पा. पता क्यों है चिट चैट विद शिल्पा? क्योंकि मेरे मम्मा ये बोलते थे कि ये ना गप्पों में इतनी तेज है कि इसकी शादी होगी ना तो ये लड़के वालों को ना सिर्फ गप्पे ही खिलाएगी. और एक बात और बोलते थे कि ना हाँ इसे सब गप्पे मारने बैठ जाओ तो मजा तो बहुत आता है लेकिन ये सिर्फ गप्पे ही खिलाती है और कुछ भी नहीं खिलाती है. तो इसलिए मैंने कहा यार जब लोगों को गप्पे मार के मजा आता है जैसे तो गप्पों का ही चैनल शुरू करते हैं तभी तो चिट चैट विद शिल्पा नाम रखा है राइट. तो आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपको मेरे साथ गप्पे मारकर मजा बहुत आता है तो प्लीज चैनल को लाइक, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो. आपका तो बस ऐसे जाएगा एक सेकंड वीडियो देखते देखते टिक लाइक हो गया लेकिन मेरा दिन बन जाएगा पता है. तो कमेंट, और जब आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत मजा आता है कमेंट पढ़कर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना टू वे इंटरेक्शन चल रहा है. अगर मैं बैठकर फालतू में कैमरे के आगे मेरी गप्पे मारी जा रही हूँ तो जो मेरे व्यूअर्स हैं वो भी कमेंट्स लिखकर मेरे साथ पूरी गप्पे मार रहे हैं. मतलब वन वे गप्पे बहुत बोरिंग हो जाती है ठीक है. इसीलिए बोलते हुए कॉमेंट क्या करो, वन वे गप्पे लेक्चर हो जाती है. हाँ वन वे गप्पे लेक्चर हो जाती है जो अमित को हमेशा लगता है क्योंकि जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो फिर सामने वाला थोड़ा कम ही बोल पाता तो वो लेक्चर ही हो जाता है. एनीवेज शाउट आउट की बात करते हैं तो आज मेरे तीन स्पेशल लोग हैं. एक तो मौसमी इसीलिए वो मुझे बोलते हैं कि शिल्पा मैं ना तुम्हारे वीडियो दो बार देखती हूँ दिन में. एक तो जब मैं अकेले देखती हूँ जब घर पे कोई भी नहीं होता और मैं ना अपने बच्चों को और अपने पति को बताती नहीं हूँ कि मैंने तुम्हारा वीडियो ऑलरेडी देख लिया है फोन पे. और जब वो शाम को आते हैं तो मैं उनके साथ दोबारा देखती हूँ लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मैं तुम्हारा वीडियो पहले देख चुकी हूँ. लेकिन मौसमी अब ये सीक्रेट मैंने बता दिया तो अब जब अपनी फैमिली के साथ बैठकर शाम को देख रही होगी ना ये वीडियो तो उनको पता चलेगा अच्छा तुम ये वीडियो पहले देख चुकी हो. और दूसरा शाउटआउट है फैनल के लिए. फैनल आपका सरनेम आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूं तो मैंने गूगल पर जाकर उसके प्रोनाउंसिएशन भी चेक करी है वरना इन शॉर्ट बाय माफिया फिर लोगों करेक्ट करने आ जाएंगे. तो या तो चंपन एरिया है या फिर शैंपन एरिया है तो मेरे को अच्छे से बोलना नहीं आ रहा लेकिन मेरे को ये हिंदी में लिखा हुआ गूगल पे दिखा चंपन एरिया तो मैं चंपन एरिया ही बोल देती हूँ. फैनल चंपन एरिया के लिए वो भी मुझे बहुत प्यारे प्यारे और मेरी हर वीडियो पे कमेंट करती है हर वीडियो पे और वो ऐसे कमेंट करती है इतने लंबे कि मुझे लगता है कि हाँ हम गप्पे मार रहे हैं. तो ये दूसरा शाउटआउट उनके लिए है. और तीसरा शाउटआउट है समर खान के लिए. उनको कल पक्का लगा था कि कल उनका नाम आएगा लेकिन कल आया नहीं था तो उनके जवाब में ना कमेंट में सिर्फ रोने वाली स्माइलें आई थी तो आज हंसने वाले स्माइलीज आनी चाहिए. ओके तो ये तीन स्पेशल लोग थे मेरे आज के लिए शाउटआउट के लिए. और अगर सॉरी मैं आपका आज नाम नहीं ले पाई तो कल भी वीडियो आएगी परसों भी आएगी रोज आएगी अगर आप कमेंट करते रहे और लाइक करते रहे तो ठीक है. तो चलो अब मुझसे मिलो कल की वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिए बाय.